हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का रिक्रूटमेंट सिविल इंजीनियर्स के लिए है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 2847 नंबर ऑफ वैकेंसी है सिविल इंजीनियर्स के लिए। उत्तर प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम डिस्कस करेंगे, एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियर की 2000 अप्रोक्स 3000 के आसपास वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को मिलाकर। तो यहाँ पर देखेंगे गैस, जो आपका उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जो है, इसमें 1092 वैकेंसी है, 1092 वैकेंसी है। यहाँ पर बाइफर्केशन किया गया है 1092 वैकेंसी का, जनरल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमी वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर ग्रामीण जो है अभियंत्रण विभाग, उसमें 765 वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश जल विभाग में 693 वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 146 वैकेंसी है, और सेतु निगम लिमिटेड में 96 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 27 है, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में यहाँ पर 23 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 5 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2847 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1324 वैकेंसी है, राइट। नाउ यहाँ पर जनजाति के लिए ये रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, उसके लिए कितनी वैकेंसी है। नाउ ₹25 एप्लीकेशन फी है फॉर SC ST इकोनॉमिकल सेक्शन एंड जनरल, सभी के लिए सेम एप्लीकेशन फी यहाँ पर ₹25 रखे गए हैं। नाउ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम कवर करते हैं। तो गाइस, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना होगा आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम, राइट। एंड इसके अलावा, राइट, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है जो उत्तर प्रदेश में 2023 में एक प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023, जिस कैंडिडेट ने ये क्वालिफाई किया है उसका जो रैंक है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सपोज कीजिए अभी यहाँ पर 3000 वैकेंसी है, तो 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, राइट। जैसे 3000 है तो 45000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पैट 2023, उसके स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड देन फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंड देन फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। सैलरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर 4600 का पे बैंड है, तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। ओके, अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर पेट 2023 नहीं दिए हैं यूपी का, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो गुड लक गाइस। यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है, यहाँ पर देखिए 7 जो है जून तक का टाइम दिया गया है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 7/5 से प्रारंभ होगी और 7 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। सो ये जो है आपका टाइमलाइन है, राइट। सिलेबस पूरा दिया गया है नीचे, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा वेबसाइट पे, एंड सिलेबस भी मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।